मैं उत्सला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। एकनाथ शिंदे गुट बहुमत होने का दावा कर रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना और सरकार बचाने के लिए कवायद में जुटे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सियासी जंग में अब राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर एकनाथ शिंदे का गुट बहुमत होने का दावा कर रहा है, तो वहीं उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना बचाने में लगे हुए हैं। तो वहीं इस बीच महाराष्ट्र की सियासी जंग में अब राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मनसे यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से महाराष्ट्र में आए सियासी संकट को लेकर भी बातचीत की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली है। दरअसल एकनाथ शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं, तो वहीं शिंदे गुट का दावा ये भी है कि शिवसेना से समर्थन करने वाले विधायकों का आंकड़ा 50 के पार हो जाएगा। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने बताया कि दो और विधायक हमारे समर्थन में आ रहे हैं, जिसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ हमारे गुट को समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या 50 के पार हो जाएगी। साथ ही केसरकर ने ये भी कहा कि हम 3 या 4 दिनों में एक निर्णय पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम सीधे महाराष्ट्र वापस जाएंगे। तो उधर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सियासी पटकथा बीजेपी ने ही लिखी है। शिवसेना ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे के साथ वापस आता है या अपने लिए कोई नया रास्ता चुनता है। वहीं एक और जहां ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को 12 तारीख तक का मोहलत दिया है कि 12 जुलाई को आपको जवाब देना होगा जो स्पीकर ने आप पर इल्जाम लगाए हैं। और इसी बीच अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। संजय राउत को ईडी का समन भेजा जा चुका है। अब देखना यह होगा कि कौन अपनी साख बचाने में सहमत होता है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो